राजधानी के मंथन सभागार में जिला विकास सामान्य और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। इस बैठक में विधायक और मेयर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया, लेकिन केंद्र की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों को साथ लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं स्मार्ट सिटी में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर भी तेजी से काम करने की हिदायत अधिकारियों को दी गई। दिशा की हर 3 महीने में ये बैठक होगी और भारत सरकार के लगभग जो जुड़े 37 विभाग हैं उसकी समीक्षा इसमें होती है। अब बहुत विभागों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी पर हम लोग पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे और पीछे का जो हुआ है उसकी भी समीक्षा हुई, आगे का जो हमारा टारगेट है उसकी भी समीक्षा हो रही है। मुझे भरोसा है कि स्मार्ट सिटी को भी लेकर के हम बहुत अच्छा कर लेंगे। मुझे बताया गया कि जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था तब ये 76वें स्थान पर था, जबकि अब ये 19वें स्थान पर आ गया है, का मतलब इसमें प्रगति हो रही है। देखिए, स्मार्ट सिटी का जहाँ तक सवाल है, जो समीक्षा में अभी तक आया है, हम 76वें स्थान पर थे किंतु आज काफ़ी गति पकड़ते हुए हम 19 स्थान पर आ गए हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम 1 नंबर पर आ जाएँ। स्मार्ट सिटी का काम तीव्र गति से चले, किंतु बजट का जिस तरह से खर्च हो जाना चाहिए था, जो बजट अभी तक 250 करोड़ के लगभग मिला है, जो प्राप्त हुआ है, उसमें खर्च मात्र 125 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए हैं। इसमें थोड़ा सा गति धीमी है, क्योंकि 2.5 साल हमारे बीत गए हैं और 2.5 साल के अंतराल में ये पूरा हमने 1450 करोड़ रुपये का जो बजट है उसको खर्च भी कर। स्मार्ट सिटी का जो प्रथम चरण का काम था, जो टेंडर प्रक्रिया थी, वो सब पूर्ण हो चुकी है और जो खर्चे का काम है अब वो काम प्रारंभ हो चुका है। चाहे हमारे वाटर एटीएम लग चुके हैं, सिग्नल का काम चल रहा है, ऐसी जो है हमारे सुलभ शौचालय, जो स्मार्ट शौचालय हमारे बनने हैं, वो उसका काम प्रारंभ हो चुका है। डक का काम प्रारंभ हो चुका है और तमाम कार्य जो है अब धरातल पर उतर चुके हैं और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी जो है 6 महीने के अंदर स्मार्ट सिटी का काम जो है देहरादून में